टीम प्लेयर बनने के लिए क्या करना होगा, नो क्रॉस लाइन, काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, वेरिफिकेशन। अच्छा, मैंने ऐसा देखा है कि जब भी हम लोग सिस्टम में जाते हैं तो क्या होता है कि अगर हम प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे होते हैं तो हमेशा आप अपने अपलाइन को ऊपर रखिए, हमेशा सिस्टम को ऊपर रखिए। होता है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट, मतलब अपने अपलाइन को आप बताते हैं कि सर ये प्रोस्पेक्ट ये है, ये है, ये है, इस पद पे है, ऐसा करता है, इतना कमाता है। आप अपलाइन को मत बताइए कि प्रोस्पेक्ट क्या करता है, आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताइए कि आपके अपलाइन क्या है। क्योंकि अगर वो एक दिन भी इस सिस्टम में जुड़ा हुआ है आपसे पहले, तो हो सकता है कि वो अपने फील्ड के ज्ञाता हो, विशेषज्ञ हो, लेकिन आपके अपलाइन इस बिजनेस के ज्ञाता होते हैं, इस बिजनेस के विशेषज्ञ होते हैं। हमेशा अपने अपलाइन और सिस्टम को ऊपर रखिए, कभी भी प्रोस्पेक्ट को ऊपर मत रखिए। आपके प्रोस्पेक्ट जो भी हैं उनका सम्मान बिल्कुल बरकरार रखिए, लेकिन अपने प्रोस्पेक्ट को ये बताइए कि मेरे अपलाइन क्या है, ना कि अपने अपलाइन को बताइए कि मेरे प्रोस्पेक्ट क्या है। हमेशा अपलाइन और सिस्टम को ऊपर रखिए, अपने बिजनेस को दमदार बनाइए, सामने वाले को मत दमदार बनाइए। यहाँ पे टुगेदर एवरी ऑन अचीवर्स अचीव्स मोर। जब भी टीम के लिए क्या सबसे अच्छी चीजें होती हैं कि कभी कभी सामंजस्य नहीं बैठ पाता। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दो बकरियां हैं, ये पहले क्या कर रही हैं कि खींचातानी हो रही है इन लोगों में, ये अपना खाना दोनों चाह रही हैं कि मैं अपने खाने को खा लूं, अपना फूड मैं ले लूं। लेकिन स्टार्टिंग में पहले क्या होता है कि ये दोनों ट्राई कर रहे हैं, खींचातानी हो रही है, लेकिन दोनों को सक्सेस नहीं मिल रही है, सफल नहीं हो रहे हैं। फिर ये दोनों सोचते हैं कि अब हम क्या करें, और कहीं ना कहीं साथ में आते हैं, सामंजस्य बैठाते हैं, तालमेल का बिजनेस है। जैसे ही तालमेल बैठता है तो फिर ये दोनों अपना खाना बड़े आसानी से दोनों को मिल जाता है। तो इसी तरीके से हमें अपनी टीम में, चाहे वो अपने अपलाइन हो चाहे अपने डाउनलाइन हो, सबके साथ सामंजस्य बना के, सोच समझ के, सोच विचार के इस सिस्टम को करेंगे तो सफलता मिलती है। टीबीएफ पे बुक फंक्शन जो इस बिजनेस का आधार स्तंभ है, जो आधार है, जो बेस है, जो हमें बहुत जरूरी है। एक लीडर सिर्फ पत्तों पे पानी देने से कुछ नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, जड़ पे पानी देंगे तब भी रिजल्ट बढ़ेगा। अपने ऊपर भी काम करना होता है, सिर्फ फील्ड में काम करके डीडी बटोरना ये सिस्टम का रूल है ही नहीं, ये बेस नहीं है। कोर क्रिएट करना, खुद कोर बनना, खुद लीडर बनना और अपने नीचे लीडर बनाना, ये सिस्टम का रूल है। आप जो भी कर रहे हैं सब कुछ करिए, लेकिन खुद पे काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको पता है कि इस बिजनेस में कोई सैलरी नहीं दी जाती है तो सामने वाला आपकी बात क्यों सुनेगा। नो बॉस नो लॉस, यहाँ कोई बॉस नहीं होता है। जब तक आप खुद अपने आप को उस लायक नहीं बनाएंगे, सामने वाला आपकी बात नहीं सुनेगा, चाहे वो प्रोस्पेक्ट हो चाहे वो डाउनलाइन हो। हमने 2 साल से बिजनेस ज्वाइन किया है, हमारी बाड़ी भाषा में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, हमारी वेशभूषा में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, हम में कोई पर्सनल चेंज हुए ही नहीं, तो हमारी टीम भी तो वही देख रही है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, खुद एक लीडर बनना है, खुद पे काम करना है। यूज ओनली टूल्स डेवलप बाय सक्सेस फॉर एवर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के स्पीकर्स को सुनने लग जाते हैं, या बहुत सारे अनदर बुक्स पढ़ने लगते हैं। जितना सिस्टम के लिए बताया गया है जो जरूरी है उतना ही पढ़ ले, वो ही एफिशिएंट होगा। जैसे प्रगति पथ है, लिस्ट बुक, प्लान फोल्डर है, वीकली इंडेक्स आप बना सकते हैं, प्रोडक्ट ब्रोचर्स हैं, प्रोडक्ट शोकेस हैं, प्लान फोल्डर है, ये सभी जो नीड नेसेसरी चीजें हैं जो आपको जरूरत होती हैं सिस्टम में, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। ऑडियो सीडी, वीडियो डीवीडी, इंफॉर्मेशन पैक। तो इसी के साथ मैं इस ट्रेनिंग को क्लोज करती हूँ। और अगर मेरी बात किसी को किसी भी तरीके से कोई भी छोटी मोटी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो भी ट्रेनिंग है वो सिस्टम से रिलेटेड है और इस सिस्टम को ध्यान रखते हुए मैंने दिया है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्द को विराम देती हूँ और मैं अपना माइक आदरणीय सतीश सर को हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, और इसको स्टॉप कर दीजिए शेयरिंग को। यस, गुड, वंडरफुल सेशन, बहुत शानदार। और अभी आगे बहुत अच्छा ट्रेनिंग आज दिव्या जी ने दिया, और वास्तव में रियल में आज मुझे लग ही नहीं रहा कि क्या ट्रेनिंग है। और बहुत देख रहा हूँ कि सभी, तो वही मैं देख रहा था, ट्रेनिंग बहुत शानदार ही, बहुत कम समय में बहुत बढ़िया ट्रेनिंग हुई है, बहुत अच्छा। अब मैं जैसे, मैंने भी बहुत कुछ सीखा कि ब्लेम किसी को नहीं करना है, ऑनेस्टी के साथ काम करना है, लगातार करते रहना है, गोल्स को अपने क्लियर कर, बहुत
शानदार ट्रेनिंग आज के लिए, बहुत बहुत शानदार।